3000 के नीचे के जो फोन्स है ना वो ऐसे भी आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं या फिर लोगों का बजट कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो इस प्राइस सेगमेंट में दो फोन्स लेके आया हूं जिसको कि आप कंसीडर कर सकते हो। बट सवाल ये है कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा आपके लिए सही रहेगा। मैं कंपेयर करने वाला हूं इस वीडियो में iQOO Neo 7 को Poco X5 Pro से। तो इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपके लिए सही रहने वाला है, अगर आपके लिए गेमिंग प्रायोरिटी है या फिर परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है या फिर मैं बोलूंगी कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, तो इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, इन सब के बात करने वाले इस कंपैरिजन में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना इनके मैं आपको वेरिएंट्स और प्राइस बता देता हूं ताकि उससे ना आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाए प्राइसिंग का, क्योंकि यार प्राइसिंग और वेरिएंट्स इसके थोड़े आपस में मेल नहीं खाते, या फिर मैं बोलूं कि सिमिलर नहीं है, अलग अलग आपको वेरिएंट्स मिलते हैं और अलग अलग प्राइस भी है इनका। iQOO Neo 7 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस है 29,999, वहीं 12GB रैम और 256GB वाले स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 33,999 रुपए। वहीं Poco X5 Pro का 6GB रैम और 128GB वाले वेरिएंट का प्राइस है 22,999 रुपए। वहीं 8GB रैम और 256GB वाले स्टोरेज वाले का जो प्राइस है वो है 24,999 रुपए। तो देखो प्राइसिंग के मामले में ना Poco X5 Pro ज्यादा अफोर्डेबल है या फिर मैं बोलूं कम है। अब वो अलग बात है कि रैम भी आपको इसमें कम देखने को मिल रहा है और थोड़ा हार्डवेयर का भी खेल है। अब अगर डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन में प्लास्टिक बैग दिया गया है और दोनों ही फोन डिजाइन के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं, क्योंकि एक तरफ Poco X5 Pro यंग लोगों को अट्रैक्ट करता है, वहीं iQOO Neo 7 थोड़ा क्लीन सा लगता है, ज्यादा तामझाम नहीं है Poco की तरह। इनफैक्ट बेस्ट पार्ट यह है कि अगर आप इनको बिना कवर के भी यूज करते हो तो फिंगरप्रिंट के निशान देखने को नहीं मिलने वाले हैं आपको। 3.5mm जैक Poco में दिया गया है जो कि iQOO में मिसिंग है, और हां फिंगरप्रिंट सेंसर को पावर बटन में प्लेस किया गया है Poco ने, जबकि iQOO Neo 7 ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। पंच होल डिस्प्ले दोनों में ही दिया गया है। अब ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करें तो मुझे iQOO Neo 7 ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि क्लीन है, थोड़ा सटल सा लगता है, और ये वाला ना मतलब यंग लोगों को थोड़ा अपील करेगा। ऐसा नहीं मैं बुला गया हूं, बट ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। अच्छा, एक चीज और, आपने भी बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखा होगा कि Poco X5 Pro बेंड हो जाता है ऐसे करके, या फिर क्रैक हो जा रहा है या टूट जा रहा है। तो भाई मुझे एक बार बताओ जरा कि फोन को ऐसे करके बेंड करता कौन है यार, मतलब ऐसे यूज होता है या फिर ऐसे यूज करते हैं लोग, ज्यादा होता है पॉकेट में रख लेते हैं, बट पॉकेट में भी रखने का ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन सब ताम झाम पे मत जाओ यार, बेसिक सी चीज है कि फोन को आप नॉर्मली ऐसे यूज कर रहे हो या ऐसे यूज कर रहे हो, देखो चेचिस को ना ऐसे बेंड नहीं करते हो, तो इन सब चीजों में मत आओ। फोन का डिजाइन जो है वो ओवरऑल सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, इतना फ्रेजाइल नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो Poco X5 Pro में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं अगर iQOO Neo 7 की बात करें तो इसमें 6.62 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अभी जो 0.1 इंच का जो डिफरेंस है ना कितना है वो मैं आपको बताने वाला हूं आगे। प्रैक्टिकलिटी में दोनों ही फोन ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसे दोनों में कोई इशू नहीं है। बट अगर साइड बाय साइड आप दोनों को देखते हो तो iQOO Neo 7 ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसमें 1300 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जबकि Poco X5 Pro में 900 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। अब जो 400 का डिफरेंस है ना ऑन पेपर्स, ये ऑन पेपर्स ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी में भी दिखता है। बाकी दोनों में पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, तो यहाँ पे भी ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बट फिलहाल एक काम करता हूँ, आपके लिए मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ जिससे कि आपको डिस्प्ले और साउंड दोनों का आइडिया हो जाएगा। देखो वीडियो देखने के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि iQOO Neo 7 का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर है। अगर कलर्स की बात करो, सेचुरेशन की बात करो, कॉन्ट्रास्ट की बात करो, तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ज्यादा iQOO Neo 7 की बेटर आती है। अब दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है, बट एक काम करना है, फोन लेते ही ना टेम्पर्ड ग्लास या फिर मैं बोलूं कवर लगा लेना, क्योंकि अगर फोन गिरा ना तो कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर कोई भी आपका ना जो भी प्रोटेक्शन दिया जाता है वो काम नहीं करने वाला। तो भाई फोन लेते ही लगा लेना एकदम फटैक से, सोचना मत ज्यादा। तो चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो Poco X5 Pro में Qualcomm Snapdragon 778G का प्रोसेसर दिया गया है। वहीं अगर iQOO की बात करें तो iQOO में MediaTek Dimensity 8200 का चिपसेट देखने को मिलता है। अब इन दोनों में जो परफॉर्मेंस का इशू है ना, या फिर मैं बोलूं परफॉर्मेंस की जो बात है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली जो आपको प्रीमियम हाई एंड फोन्स में प्रोसेसर देखने को मिलते हैं ना MediaTek के, वो 8200 से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब आप इस तरीके से समझ लो कि हम जहां से खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो जा रही है। अब इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 778G, ये अपने मैं बोलूं कि बजट सेगमेंट या फिर मिड बजट सेगमेंट में टॉप नॉट परफॉर्मेंस देता है, या फिर मैं बोलूं कि टॉप नॉट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो इसको इस तरह समझ लो कि भैया इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं।
तो अब यहाँ पे जो गैप है वो ये है बेसिकली कि अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो या कोई परफॉर्मेंस करना चाहते हो या फिर मैं बोलूँ ओवरऑल अगर आप टास्क फुलफिल करना चाहते हो तो आईकॉन यू 7 ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता है, इनफैक्ट प्रैक्टिकलिटी में भी कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि पोको एक्स5 बुरा है, बट यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एक बात जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि पोको अभी भी एंड्रॉइड 12 पे चल रहा है जबकि आईकॉन यू 7 एंड्रॉइड 13 पे, तो यहाँ पे पोको को एंड्रॉइड अपडेट्स पे ध्यान देने की सच में जरूरत है। कॉल ड्रॉप देखने को नहीं मिला दोनों ही फोन्स में, प्लस नेटवर्क भी स्टेबल रहते हैं दोनों ही फोन्स में। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आईकू का फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू पोको, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है आईकू में जो की ज्यादा प्रैक्टिकल है। UI भी मुझे आईकू का ज्यादा बेटर लगा क्योंकि एटलीस्ट आइकन्स काफी क्लियर है, कैमरा कैमरा लग रहा है, जबकि पोको में कैमरा गूगल क्रोम लग रहा है। एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि मुझे MIUI पसंद नहीं है, बस ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है। पोको X5 Pro में 7 5G बैंड्स दिए गए हैं जबकि आईकॉन यू 7 में 8 5G बैंड्स मिलते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो क्लियर विनर आईकॉन यू 7 है क्योंकि यार ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, UI क्लीन है, एंड्रॉइड 13 पे चल रहा है और साथ ही साथ एज सच कोई भी मतलब इशू इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और वैसे भी जैसा मैंने आपको बताया कि यार इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है ना वो जो प्रीमियम हाई एंड फोन्स होते हैं वहां से प्रोसेसर शुरू होते हैं, ये वाले 8200 से उसके बाद प्रोसेसर आते हैं, तो बेसिकली यहां पे यार आईकॉन यू 7 विनर है। अब अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे क्लियर विनर है आईकॉन यू 7 क्योंकि यार हीटिंग इशू ना थोड़ा सा देखने को मिला था, प्लस फ्रेम ड्रॉप भी होते हैं पोको X5 प्रो में जब आप लंबे समय तक गेम खेल रहे हो, तो बट ये सब चीजें मुझे आईकॉन यू 7 में देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट गेम खेला था उसके बाद फोन हीट होना शुरू हुआ था। ऐसा नहीं कि इसमें हीटिंग नहीं होता है, बट लंबे समय तक आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी फ्रेम ड्रॉप उसके बाद भी देखने को नहीं मिला, जब फोन थोड़ा सा वार्म हो रहा था उसके बाद भी किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला। सो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं ना तो इसमें ज्यादा अच्छा आप गेम खेल पाओगे आईकॉन यू 7 में। प्लस मैं आपको बता दूं कि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एपेक्स लेजेंड्स, एसफल 9 जैसे गेम्स इसमें खेले हैं, ट्रस्ट मी जो गेमिंग परफॉर्मेंस था आईकॉन यू 7 का वो बहुत सही रहा है। तो अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो मेरे हिसाब से आपको आईकॉन यू 7 की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये गेम्स को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता है। ऐसा नहीं कि पोको X5 बुरा है, बट अगर दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ना तो आईकॉन यू 7 यहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन आपका एक पूरा दिन आराम से निकाल देंगे अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, कॉल ले रहे हो, वीडियो कॉल्स ले रहे हो या फिर चैटिंग कर रहे हो या फिर मैं बोलूं सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, उसके बाद भी एक पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। अब अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करूं एंड ऑफ द डे तो पोको X5 प्रो में 27% बैटरी रह गई थी मेरी, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने सब कुछ किया था उसके बाद भी। अगर मैं आईकॉन यू 7 की बताऊं आपको तो आईकॉन यू 7 में ऑलमोस्ट 30% बैटरी रह गई थी, तो वो जो 3% जो ज्यादा बैटरी मिला है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांटेज मिलता है आईकॉन यू 7 को। यहाँ दोनों ही ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। अब अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो आईकॉन यू 7 ऑलमोस्ट 30 मिनट में 0 to 100 चार्ज हो जाता है, वहीं पोको को 0 to 100 चार्ज होने में ऑलमोस्ट 50 मिनट लग जाते हैं। ओवरऑल आईकॉन यू 7 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बैटरी के मामले में क्योंकि 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, प्लस बैटरी बैकअप भी ज्यादा है। तो गुरु अगर आपको ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो फटाफट चार्ज भी हो जाए और लंबा भी चले तो मेरे हिसाब से आपको आईकॉन यू 7 ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं इनके कैमरा परफॉर्मेंस की, तो एक नजर आप स्पेक्स पे डाल लीजिए। स्पेक्स देखने के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि आईकॉन यू 7 में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है, जो कि यार नहीं होना चाहिए। 30,000 का बजट है और वहां पे अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है, बस ये तो कहीं से भी सही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और अभी स्क्रीन पे आपको दोनों फोटोज दिख रही होंगी दोनों फोन से क्लिक की हुई, और यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि पोको की पिक ज्यादा ब्राइट है, प्लस डिटेल भी ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू आईकॉन यू 7। बट अगेन पोको ने कलर को थोड़ा सा बूस्ट किया है जैसा कि दिख ही रहा होगा आपको स्काई में, टेबल के कलर में, और हाँ अगर आप प्लांट के ग्रीन कलर को भी देखते हो तो वो भी थोड़ा बूस्ट लगता है। अब अगर ये दूसरी फोटो देखते हो तो ये नाइट की फोटो है, यहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा होगा, साथ साथ घोस्टिंग भी दिख रही है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आईकू में थोड़ा ग्रीन टोन देखने को मिल रहा है, और हाँ इसके डिटेल्स भी थोड़े कम दिख रहे हैं, प्लस ब्लैक्स थोड़े ग्रे हो गए हैं जो कि मजा सा नहीं आ रहा। इनफैक्ट शेडो भी अगर आप देख पा रहे होगे तो ज्यादा क्रिस्प नहीं है, ग्रीन टोन है। प्लस मिडनाइट फोटोज में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे पोको इनफैक्ट इससे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर ये चार्ज स्टॉल वाली फोटो देखते हो तो यहाँ पे दोनों ही फोटोज सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बट आईकू की फोटोज में डिटेल्स थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है, इनफैक्ट कलर भी क्लोज टू एक्यूरेट है।
अब अगेन अगर आप यहाँ पे आउटडोर वाली पिक देखते हो तो यहाँ दिखेगा कि पानी कुछ ज्यादा ही ब्लू दिख रहा है पोको के पिक में, वहीं आईक्यू ने इसको क्लोज टू एक्यूरेट रखा है। फेस पे लाइट ज्यादा होने की वजह से पोको ने फेस को थोड़ा सॉफ्ट किया है जबकि आईक्यू ने इसको अच्छे से मैनेज किया है। अब अगेन एक नाइट की फोटो आपको दिख रही होगी एंड यहाँ सेम ग्रीन टोन देखने को मिल रहा है आईक्यू की फोटो में जबकि पोको ने इसको नेचुरल रखा है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको एक सम अप दूं ना तो पोको X5 Pro नाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा क्या करता है, इससे बेटर परफॉर्म करता है। वहीं अगर आईक्यू न्यू 7 की बात करूं तो ये डे लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और नाइट में तो ये भाई रो देता है, मतलब ग्रीन टोन दिख रहा है, ब्लैक्स नहीं लगते हैं, शेडोज का तो इन्होंने अलग अलग ही थ्योरी बना के रखा हुआ है। सो नाइट फोटोग्राफी अगर आप बहुत ज्यादा करते हो तो मेरे ख्याल से आपको पोको X5 Pro की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप दिन में ज्यादा फोटो खींचते हो तो आपके लिए आईक्यू न्यू 7 ज्यादा रहेगा। या फिर इसको मैं ऐसे समझा दूं कि अगर आप मेरी तरह रात में घूमना पसंद करते हो, रात में आप फोटोज बहुत ज्यादा क्लिक करते हो, रात भर भटकते रहते हो, भटकती आत्मा हो, तो पोको X5 Pro ले लेना यार। और अगर आप नरेंद्र जी की तरह एकदम सॉर्टेड हो या फिर अमन की तरह मैं बोलूं 10 बजे सो जाते हो तो आपको मेरे हिसाब से आईक्यू न्यू 7 की तरफ जाना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, मुझे पता है कि सेल्फीज बाकी है तो एक काम करता हूं, फोन पे आपके बहुत सारे मैं सेल्फीज चला जाता हूं, डिसाइड कर लेना यार क्योंकि हो गया है मेरा कैमरा साइज के। अच्छा सेल्फीज देख ली, कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप मुझे। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस गेम है, प्राइस गेम कैसे मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप 8,000 रुपए ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो या फिर मैं बोलूँ कि गेमिंग इतनी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, परफॉर्मेंस आपको डिसेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको पोको X5 Pro की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ये एक कंप्लीट पैकेज फोन बन जाता है क्योंकि प्राइस भी कम है और साथ ही साथ आपको रैम वेरियंस भी कम मिल रहे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ऊपर से यार 25,000 के नीचे आपको ठीक ठाक सा फोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और 30-35,000 तक आप स्पेंड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आईक्यू न्यू 7 से बेस्ट कुछ रहेगा नहीं। ये फोन अगर मैं बोलूं कि 30-32,000 के रेंज में मुझे बात करना हो, मुझे किसी को रिकमेंड करना हो, परफॉर्मेंस की प्रायोरिटी है, डिस्प्ले उसको अच्छा चाहिए, साथ ही साथ गेमिंग करना है और साथ ही साथ आपको ना मैं बोलूं कि ओवरऑल फॉर्म फैक्टर भी अच्छा चाहिए, तो आईक्यू न्यू 7 आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। बट अगर पैसे बचाने हैं और सेम काम आपको करना है तो पोको X5 भी बुरा डील नहीं है। बाकी ये कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा।